मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीय। इंदौर में आज भाजपा प्रत्याशी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। शुक्रवार को निपानिया में रहने वाले प्रकाश नारायण सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पेश किया। प्रकाश ने 3700 रुपए के सिक्के नामांकन फीस के तौर पर जमा किए। इन्हें मिलाकर कुल 7 निर्दलीय प्रत्याशी हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि नामांकन की ये प्रक्रिया 29 अप्रैल तक चलेगी। 27 व 28 को छुट्टी रहेगी। 19 मई को इंदौर लोकसभा सीट पर मतदान होगा। 23 मई को देश भर की 543 सीटों का परिणाम घोषित होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें अंतिम चरण में इंदौर संसदीय सीट पर 19 मई को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू हुई थी। ये है निर्दलीय उम्मीदवार: राजकरण यादव, इमरान, श्रीकांत शर्मा, परमानंद तोलानी, नासिर मोहम्मद और राधेश्याम सिंगले और प्रकाश नारायण सिंह। ये हैं पार्टी के प्रत्याशी: सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राजेंद्र पिता मोहनलाल अग्रवाल, भाजपा से उम्मीदवार शंकर लालवानी, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी दीपक अहिरवाल। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।